हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के एक और फ्रेश वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, यूपीआई यूज करने वालों के लिए बुरा खबर आया है। 3 अप्रैल के बाद अब यूपीआई यूजर को चार्ज देना होगा। ये नियम लागू किया है एक्सिस बैंक ने, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। 3 अप्रैल के बाद आपको चार्ज देना पड़ेगा। पहले यूपीआई चार्जेज फ्री थे, अब कुछ चार्जेज आपको देना होगा। क्या चार्जेज देना होगा, इसी से रिलेटेड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। हेलो, मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं एडवाइस एक्सप्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोटक बैंक में नोटिफिकेशन जारी करके चार्जेज लेने के बारे में बताया था, फिर अब एक्सिस बैंक ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है। एक्सिस बैंक ने कहा है 20 ट्रांजैक्शन फ्री होंगे एक महीने में यूपीआई के जरिए। उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए होंगे उस पर चार्ज देना होगा। 1000 रुपये से कम ट्रांजैक्शन होंगे तो आपको 2.50 रुपये प्लस GST, यानी कि GST 18%, यानी आपको 2.90 रुपये आपसे लिए जाएंगे। वहीं 1000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन यदि आप करते हैं यूपीआई के जरिए तो आपसे 5 रुपये प्लस GST, यानी कि GST 18%, यानी कि आपको 5.90 रुपये आपको देने होंगे। यानी आप 1000 से ज़्यादा का यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं या फिर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपसे यहाँ पर 5.90 रुपये आपसे लिए जाएंगे प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए। ये ट्रांजैक्शन कैसे लिए जाएंगे इसको हम समझ लेते हैं। आप कोई भी यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं या एक्सिस बैंक ऐप यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं, यानी कि आप एक्सिस बैंक का ऐप के थ्रू भी यूपीआई यूज करते हैं, या कोई भी यूपीआई पेमेंट के जरिए जैसे गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, भीम यूपीआई, भारत पे, अमेजोन पे से करते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट किसी को भी, तो भी आपका काउंट किया जाएगा, यानी कि उस पर भी आपको चार्ज देना होगा। या QR कोड को स्कैन कर पेमेंट करते हैं वो भी इसमें काउंट किया जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट ट्रांजैक्शन को रखा गया है, किसी को भी यहाँ पर नहीं छोड़ा गया है। आप एक महीने तक 20 ट्रांजैक्शन फ्री में कर सकते हैं, उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन के पैसे लेंगे। आपको मैंने जो बताया वीडियो में उसी हिसाब से आपको यहाँ पर पैसे कट होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अभी सारे लोग यूपीआई के जरिए ही फ़ोन पे हो या गूगल पे हो या फिर अमेजोन पे हो या फिर पेटीएम के यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट करते हैं। ये सारे ऐप के जरिए लोग एक दिन में काफ़ी ट्रांजेक्शन करते हैं। आप भी यूपीआई के थ्रू ही किसी को ट्रांजेक्शन करते होंगे या फिर कहीं पर आप कोई सामान खरीदते होंगे तो यूपीआई के थ्रू ही आप पेमेंट करते हैं। यदि आप ज़्यादा यूपीआई यूज करते हैं तो आपको अब ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये एक्सिस बैंक और कोटक बैंक ने अभी जारी किया है, तो अब लगभग धीरे धीरे सभी बैंक जारी कर देंगे, क्योंकि 2 बैंक ने अभी जारी कर दिया है। तो लगभग अब उम्मीद है कि सभी बैंक चार्ज लेना शुरू कर देगा यूपीआई पेमेंट पर। तो दोस्तों, ये रहा यूपीआई चार्जेस से संबंधित अपडेट। यदि आपके जानकारी में और भी कोई बैंक हो जो यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में यूपीआई ट्रांजैक्शन लगा लेती है, यूपीआई के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन करने पर पैसा लेती है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।